आकार से दूर है, यही क्षमा है के धुआं नहीं। मेरे अधीनों मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरो, जो कौम अल्लाह से डरती है सारी कायनात उससे डरती है। हम लोगों ने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसलिए हम दुनिया की हर चीज से डरते हैं। लेकिन सुनो, मुसलमान को इस दुनिया में किसी से डरने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ अल्लाह के डर से डरता है। अगले आला हज़रत ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत का पैगाम दिया, और उसी पैगाम को लेकर आज हम उसे कादरी रज़वी हम मना रहे हैं। अभी मैंने अर्ज किया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आला हज़रत इमाम सुन्नत के कुछ वाक़यात आपको बताता चलूंगा कि इस मुजद्दिद ने इत्तकुल्लाह का पैकर बनकर और अल्लाह से डरने का जो जज्बा लेकर आप आए। रमज़ान का महीना है, रोजा रखा गया, घर वालों ने रोजा रखा, शहर वालों ने रोजा रखा, बरेली का आपका तमादुन पर था, बड़ी गर्मी थी, लोग बिलबिला रहे थे। आला हज़रत की छोटी सी उम्र, मां को देखा नहीं गया, बाप को देखा नहीं गया, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, और ये इतनी तपिश है, बरेली का आसमान आग सारा है, कैसे रोजा रखे। मौलाना नकी अली खान, आपके वालिद माजिद ने आपको गोद में लिया, एक अंधेरे कमरे में ले गए, वहां धूप भी था, बर्फ भी था, फिरनी भी थी, और मेरे दोस्तों आला हजरत वो मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड, बाप दादा बड़े बड़े ओहदों पर फाजिल थे। बाप ने गोद भी लिया और कहा, बेटा ये कमरा है, अंधेरा कमरा है, इसमें फिरनी भी है, बर्फ भी है, रोटी भी है, दुनिया की सारी नेमतें हैं, इनमें से तुम कुछ खा लो। और बेटा बच्चों का रोजा तो ऐसे ही होता है, मिट्टे दोपहर का रोजा बच्चों का होता है, तो ठीक दोपहर हो गया, तुम इसमें से खा लो। और बेटा सुन लो, यहां कोई देखने वाला नहीं है, मैं हूं, और ये कमरा रूम का है, हर किसी को नहीं मालूम। सुनिए क्या जवाब दिया, और उसके अब्बा जान, बात सही है कि आप हैं और इस रूम में कोई देखने वाला नहीं, लेकिन अब्बा जान जिसका रोजा मैं रख रहा हूं, मेरे अंदीरों अगर अल्लाह से डरो तो कदम कदम पर टाइम तुम्हारा साथ देगा। इमाम अहमद रज़ा ने ये कहकर कि आखिर रजा ने खत्म सखुद में पे कर दिया, मौला का बंदा खल का आका का उठ छेगा। अलीरो दोस्तों, मैंने पहले अर्ज किया था कि आज ईमान की हिफाजत ये वक्त का सबसे बड़ा डिमांड है, इंपॉर्टेंट डिमांड है। आप कोशिश कीजिए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। दोस्तों, ईमान हो और शरीयत हो, दो चीजों से ईमान की हिफाजत होगी। अर्ज कर चुका हूं, इंटेंशन
सिंसियरिटी, इसके लिए आप टाइम दीजिए और मनी दीजिए। टाइम के बगैर और मनी के बगैर हाउ यू विल बी एबल टू सी योर फेस, मेरे दिलों में दोस्तों सुन्नी रजवी सोसाइटी इंटरनेशनल चौंगा ब्रांच आपकी खिदमत कर रही है। उलमा यहां मौजूद है, आज लिटरेचर की जरूरत है, वाउस हो गया, लोगों ने सुन लिया, मौलाना साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा बात किया, लेकिन मेरे दोस्तों आज लिटरेचर की जरूरत है। कंपनी अल्लाह वालों की कंपनी जब होगी, जब अल्लाह वालों का एक्शन, अल्लाह वालों का किरदार आपके सामने, आप नमाज पढ़िए अल्लाह आपके साथ है, आप कुरान पढ़े अल्लाह आपके साथ है। मेरे दिलों में दोस्तों नमाज क्या है, अल्माइटी कंपनी का नाम है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो बताइए अल्लाह की मैयत कैसे हो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत कैसे होती, आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत कैसे मिलेगी आपको। कौन बात करने वाला पांचों नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना, और उसके बाद जो दीन का पैगाम है उसको प्रिंट करके पब्लिकेशन करके लोगों तक पहुंचाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, عرفات کا میدان ہے, 124,000 صحابہ وہاں موجود ہیں, فرمایا دیکھو یہ میرا میسج جو تم سن رہے ہو جو آگے آنے والے ہیں ان تک پہنچا دو۔ میرے عزیزو میرے دوستو نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ سارا کا سارا جو میسج ہے یہ ہمیں تبلیغ سے ملا ہے, تبلیغ اہل سنت سے ملا ہے, تبلیغ دین سے ملا ہے, تبلیغ محبت سے ملا ہے۔ ابھی وہ آپ اسے پھیلائیے, آج کی دنیا بہت ایڈوانس سے بہت آگے آ چکی ہے, آپ اسلام کو پھیلائیں اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ سنو اے مسلمان, دو چیز اگر آپ کے پاس ہو تو ساری دنیا پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے دلوں میں دوستو should be your tongue sweet, sweet tongue, زبان آپ کی میٹھی ہو۔ سنو مسلمان, صرف اپنے گھر میں مسلمان نہیں ہے, باہر بھی مسلمان, دکان میں بھی مسلمان, سڑک پر بھی مسلمان, اپنے نیبر کے سامنے بھی مسلمان ہے۔ اور یہ مت دیکھو کہ تمہارا نیبر کون ہے, اس کا مذہب کیا ہے یہ مت دیکھو, اس کا فیس کیا ہے یہ مت دیکھو, اس کا کلر کیا ہے یہ مت دیکھو۔ سنو اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا, پوری کائنات کے لیے آیا۔ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے, پوری کائنات کے لیے نبی ہے۔ اس لیے آپ مسلمان ہیں, مبلغ ہیں۔ صرف مولانا صاحب کو آپ نہ سمجھیے کہ وہی مبلغ ہیں, آپ بھی مبلغ ہیں۔ سوئی ٹنگ زبان آپ کی میٹھی ہو۔ کیا آپ نے یہ تاریخ میں نہیں پڑھا کہ مسجد نبوی میں کافر بھی مہمان ہوتے, منافق بھی مہمان ہوتے, حضور کے دشمن بھی مہمان ہوتے, اور سنو سنو مہمان ہوتے اور اس کی خدمت کون کرتا؟ اللہ اور مجھے ساری کائنات کے مخلوق ہیں, محمد رسول اللہ کو خدمت کرتا۔ اگر آپ کے پاس نیبر اہل مسلم, آپ ان کا خیال کریں,
अगर आप खाना खाएं तो कुछ उनको भी दे। इस नियत से क्या आपका अमल, आपका एक्शन काम करे और एक दिन वो भी सरकार वालों के साय की जबान आपकी मीठी हो और बिहेवियर भी आपका अच्छा हो। जिसके पास में लोग तो बिहेवियर अच्छा नहीं, अखबार अच्छा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी बहुत बड़ा आलिम है, फाजिल है, शेख है, ये है वो है, बस देखना चाहिए उसकी जबान के उसका बिहेवियर है। जिस मुल्क में आप रहते हैं जरूरत है कि आपकी जबान भी मीठी हो और बिहेवियर अच्छा हो। मेरे वीरों मेरे दोस्तों, इससे आप अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अगले दो दिन मैं टोंगाट के मुसलमान मुबारकबाद देता हूं कि उस मिशन को जो 1965 में यहां आया, उस मिशन को उन्होंने रखा, जिंदा रखा है। और यही वजह है कि आप ये भी जिंदा हैं। याद रखो, जिस कौम का मजहब और मिशन जिंदा रहता है वो कौम भी जिंदा है, और मजहब और मिशन अगर जिंदा नहीं तो कौम मर जाती है। हदीस ने बड़ी अच्छी बात फरमाई, फरमाया जब तुम उसको मुर्दा कहते हो कि जिसकी रूह निकल गई है और डेड हो गया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल उसको मुर्दा कहते हैं जो जिंदा है मगर खुदा की याद अपने मिशन के से बाकी है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सुन्नी मजहबी सोसाइटी का जो मिशन है उस पर कायम रखो और हमेशा काम करते रहो। मेरे दोस्तों, बहुत सी बातें हो गई और आप जानते हैं कि तकरीर मैं तो सर आई केम हियर एज ए सर्वेंट, नाउ आई एम सर्वेंट एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल बी सर्वेंट। मैं शहर और काम का भिखारी बनकर इस मुल्क में आया आज भी वही हूं, और रजा का खात्मा बिलखैर होगा, रजा का खात्मा बिलखैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या वो। मेरे अमीनों, मेरे दोस्तों, काम को ले लीजिए तुमको जो राजी है। हर मुसलमान ईमान और यकीन के मिरर में अपना चेहरा देखता है उसने क्या किया। काम तो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपका मनून, आप आए और इस बीमार की बातें आपने सुनी, लेकिन मैं फिजिकली ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं बात पहले कर चुका रिलीजियसली मैं ठीक हूं। आप काम कीजिए, ये खादिम पहले भी और सुनो, दीन का काम ये किसी की मोनोपोली नहीं है। जो दीन का काम करेगा वो आगे होगा। अभी लो दोस्तों, ट्रोंगाट वालों, तुम दीन का काम करो। इमाम मदरसा का मिशन आपके साथ जिंदा है, आपके साथ पूरा मिना, पूरा साउथ अफ्रीका आपके साथ है। वमा अलैना इल्ला बिलाल नबीन। ऐ रब्बे करीम, हमारे दोस्तों को, भाइयों को, सबको सलामत रख, और सुन्नी नजवी सोसाइटी इंटरनेशनल के बैनर के नीचे इन्हें काम करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।